तो गाइस तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पीता है शराब, लेकिन फिर भी हो गया है मेरा तबीयत खराब। शाबाश। तो इसी के साथ गाइस गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है, कांवर यात्रा से आने के बाद पानी में भीगते भीगते घर आए, तो इसकी वजह से हो गया है तबीयत खराब। और बहुत इम्पोर्टेंट काम फंस गया है हम लोगों को विश्रामपुर शहर में, तो इसीलिए भी हम लोग जा रहे हैं फिर से, और तबीयत खराब होने के बावजूद भी जाना पड़ रहा है। तो गाइस जाने से पहले तुम्हारा भाई पहन लिया है अपना 1.5 करोड़ का चश्मा, और मेरा बेटा का चश्मा है ये 52 लाख का है, ये 52 लाख का है। ले बेटा पहन ले इसको, ये देखो 52 लाख का चश्मा, अभी 77 करोड़ की इसको खरीद के लाया हूँ। तो चलिए चलते हैं, अभी नहीं पहनेगा, 52 लाख का है। तो चलिए गाइस चलते हैं अभी विश्रामपुर। वैसे पानी का मौसम भी बनाया है बहुत गंदा वाला, लेकिन काम ऐसा है कि जाना ही पड़ेगा चाहे कोई भी हालात हो। तो चलिए चलते हैं, चलो। तो गाइस हम लोग आ गए विश्रामपुर, और विश्रामपुर में आने के बाद ना हम लोग बैंक का अपना प्रोसेस कराए। अभी कुछ दिन पहले हम लोग आए हुए थे यहाँ बैंक में, तो कुछ काम रुका हुआ था, तो उसी को अभी कंप्लीट कराया आने के बाद। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा सा मार्केट साइड घूमेंगे, इसके बाद 2-3 और काम है उसको कराएंगे, इसके बाद चलेंगे घर। तो चलिए चलते हैं, अभी मौसम भी पानी का गंदा सा बनाया हुआ है और इसका परेशान कर रहे हैं लेवल। चल चल लगा, ये देखिए बाइक स्टार्ट कर रहा है, चलो। हाँ तो भाई सब हम लोग जा रहे हैं विश्रामपुर से घर वापस जा रहे हैं, लेकिन लगे हाथ इसको रिजॉर्ट घुमा देता हूँ। अभी बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं ना, इसको तभी लेकर नहीं आया था मैं रिजॉर्ट। तो अभी ये देखो अपना केना पारा का 14 पॉइंट रिजॉर्ट। तो चलिए तुम्हारी भाभी को आज रिजॉर्ट घुमाते हैं, इसको स्विमिंग कराते हैं, वहाँ तैराते हैं पानी में। तो अभी चलिए घूमते हैं, ये ACCL क्षेत्र है ना, तो इसको बोटिंग पॉइंट रिजॉर्ट बनाया गया है, और पहले से बहुत अच्छा इसको मतलब रोड और साइड में पौधा वगैरह लगा दिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं अपन लोग और यहाँ घूमते हैं। और ये देखिए इधर घर में ऊपर में और भी बांस वगैरह के कुछ बनाए हैं, तो ये देखो अभी पहुँच गए हैं, यहाँ का सीन कुछ ऐसा है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बोटिंग पॉइंट केनापारा। तो ये देखिए यहाँ पर केनापारा पर्यटन स्थल, और यहाँ का सीन कुछ ऐसा है, देखिए बहुत अच्छा पेंटिंग वगैरह किया गया है। तो चलो चलते हैं अभी हम लोग अंदर, आ जाओ। कोई भी नहीं है यहाँ, सूना सूना लग रहा है, शाम को आए होते तो ज़्यादा मज़ा आता है। ये देखिए अपना आई लव सूरजपुर, वो यार। पानी यार कुछ नहीं है इसमें। तो ये देखिए यहाँ का व्यूज कुछ ऐसा है, और अभी धूप भी है तो इतना मज़ा नहीं आता है, मतलब मज़ा आ नहीं रहा है। और यहाँ बोटिंग वगैरह भी होता है, दिखाते हैं आप लोगों को, लेकिन अभी तो बोटिंग हो नहीं रहा है यहाँ। ये देखो सब सुना सुना पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कहाँ घूमे क्या करेगी बोटिंग, घूमेगी? हाँ पर खाली लग रहा है, वहाँ भी खाली है, सब बंद है, अभी शाम को खुलता होगा। इधर बच्चों के खेलने के लिए बना हुआ है, इधर भी घुमाते हैं आप लोगों को। यार धूप सर पे पड़ रहा है, अभी दोपहर का ना 2 बज रहा है, और अभी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, लेकिन इन लोग का मन ही था घूमने का, तो मैं बोला चलो आ जाओ घूम करके, लेकिन सब कुछ तो यार बिखरा पड़ा है, झूला उगला बच्चों का सब कुछ। ये देखो इधर, ये देखिए है बहुत ज़्यादा। कुछ भी क्या है, क्या झूलेगी इसमें कुछ है? ये बार बार गिरा रहे हैं। चलो चलो चलते हैं उधर घूमते हैं, नहीं उसको नहीं। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रील्स वगैरह बना रहे थे, इधर मेरी वाइफ के देखो बेटू के यहाँ पर छोड़ दिए हैं, और इधर ये देखिए काफ़ी लोग नहाते हैं इसमें,
और बोट वगैरह भी खड़ा है, तो देखते हैं अगर घुमाएंगे तो घूमेंगे हम लोग अभी थोड़ा सा, और ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे, डर लगता है। और चलिए आगे चलते हैं, उधर उधर भी है और कुछ कुछ ना पानी के बीच में रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, तो चलेंगे अभी। ये देखिए इधर काफ़ी कुछ बना हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं, ये देखिए पोखरी के जस्ट पास में, और इधर मेरी वाइफ लोग, ये देखिए इधर बड़ा सा एक झील टाइप का है पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा सा, और इधर ये देखिए यहाँ से ऐसे करके जाते हैं बोटिंग के लिए, और इधर पानी गंदा पड़ा हुआ है। जाएं क्या हम लोग बोटिंग कराइएगा? नहीं, नहीं घुमाएंगे? नहीं, अच्छा इसमें घूमने जा सकते हैं उधर? नहीं, तो क्या मतलब यार ऐसे पर्यटन स्थल का, नहीं इसमें घूमने जा सकते हैं ना तो लोग घुमाएंगे कोई मतलब के नहीं। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं दूर से ही देख करके, यार घुमाना चाहिए यार। चलो उधर कुछ कुछ घर वर बना हुआ है, उधर घूम के आते हैं। चलो कुत्ता से डर रही है इससे, कुछ नहीं करेगा। जा बेटा जा, जा अपने रास्ते, लगता है तेरी पहचान का है इसीलिए तेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। डर लग रहा है। और गाइस अभी हम लोग इधर आ गए हैं लास्ट साइड, मतलब लास्ट वाले छोर में, और इधर शायद तक मछली पालन वगैरह भी होता है, बीच में बना है। ये पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब स्टोर रूम बन गया। पता नहीं, देखो तो इधर लिखा हुआ है। अच्छा स्टाफ, एक स्टोर रूम है एक स्टाफ रूम। ये देखिए यहाँ पर मछली पालन होता है यहाँ पर, और शायद तक उधर वाला है रेस्टोरेंट ना। तो जब जैसे पहले न्यू ओपन हुआ था ना, तब एकदम काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी था, कुछ कभी भी आओ घूम लो फिरो, और धीरे धीरे सब कुछ मतलब बदलता जा रहा है। मतलब यहाँ घूमने आने लायक अच्छा जगह है, फोटो शूट कराओ, बर्थडे वगैरह मनाने आओ, घूमने आओ, अच्छा है। ये देखिए इधर, और काफ़ी ज़्यादा हम लोग अच्छा, ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये बहुत आगे तक फैला हुआ है, जहाँ तक तेरी ले पकड़ दो अब इसको। भाई साहब अभी एकदम मज़ेदार हवा चल रहा है, और यहाँ से देखिए यहाँ का नज़ारा प्यारा लग रहा है एकदम। तो गाइस फाइनली हम लोग इधर घूम लिए, और बेटू की वजह से भी घूम नहीं पाते हैं, बहुत बदमाश हो गया है। नहीं क्या हो गया है, और मेरा तो तबीयत खराब है भाई, मैं गोदी कर नहीं सकता, तुम्हारी भाभी ही करेगी। और ऊपर में देखिए इधर घर वर बना हुआ है यार, कुछ कुछ ऊपर में दिख रहा है आप लोगों को, इधर का सीन तो देख ही लिए आप लोग। तो गाइस अभी ये देखिए ऊपर चढ़ करके जा रहे हैं, बना हुआ है घर भर उसमें, और इधर हमारे पीछे से व्यू देखिए झील का, उधर है क्या? तो सुंदर लग रहा है, देखिए यहाँ से। अरे वाह, अच्छा दिमाग लगा लेती है। और गाइस अभी हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं पोखरी के ऊपर, और ये देखिए इधर बांस का आर्टिफिशियल छोटा छोटा घर बनाया गया है इधर, ये देखिए मेरे पीछे ये बांस का आर्टिफिशियल घर बनाया गया है, ठीक है। और उधर भी एक बनाया गया है, ये कह रहा, और एक उधर भी बनाया गया है, और यहाँ से व्यूज देखिए झील का, बहुत ही प्यारा लग रहा है, और अब पहले जितना मज़ा बिल्कुल नहीं आता है। चलें क्या? पानी वानी रहता ना, खाने पीने तो अच्छा रहता। अब हम लोग यार कुछ पानी वानी भी नहीं लाए, पानी वानी लेकर के आते उधर से, थोड़ी और देर रुकते, और अभी तो हालत ख़राब हुआ पड़ा है ऐसे, फिर आएंगे कभी। चलो चलिए, चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं इधर, बर्थडे वर्थडे मनाने आएंगे फिर कभी हम लोग यहाँ पर, इससे बांस का बना हुआ है। और गैस उतरते उतरते इसका हालत खराब हो गया है, देखिए आ दे रहा है। चढ़ते चढ़ते इसको गोदी करके वहाँ पे चढ़ ही ना, तो यहाँ पे दर्द हो रहा है पैर। चल ना चल, धीरे धीरे चलो। चलो यार, नहीं तू इसको गोदी कर और मैं सिरे कर लेता हूँ गोदी। तुम्हें पता नहीं तुम बहुत दर्द हो रहा है, इसको गोदी करके वहाँ पे चढ़ ही ना।
ऐसे घूमते घूमते गए। अच्छा ले पकड़ ले इसको, तेरे गुद्दी करके उतार रहा है। इसका हालत खराब हो गया बहुत बुरी तरीके से, धक्का दे दूं क्या? तो चलो ना यार जल्दी, काहे का लेट है? आज तो तेरे गोदी करके उतारता, ले पकड़ इसको। आपको मजाक सूझ रहा है? यहाँ गर्मी में हालत खराब हुआ पड़ा है। और चलिए गाइस सब चलते हैं हम लोग घर, बहुत घूम लिया, एक्सपेक्टेशन से इस कूड़ा कचरा पूरा फैला हुआ है, मजा नहीं आया। और इतना भीड़ भी नहीं था, अभी शाम का समय जब हो जाएगा ना तब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। अभी तो दोपहर का समय है इसीलिए बहुत कम ही लोग आए थे, तो उतना ज़्यादा भीड़ था नहीं यहाँ पर। चलिए चलते हैं अब अपन लोग घर के लिए। अरे देखो इतना दूर फंसी है, नहीं चल पा रही है क्या? नहीं ना, फिर तेरा बदमाशी स्टार्ट हो गया। और गाइस अभी बोटिंग पॉइंट पे घूमने आए थे हम लोग, तो यहाँ ये देखिए जो ई मार्ट है ना, इसके अंदर आपको खाने पीने का काफ़ी कुछ सामान मिल जाएगा, पानी, लेस, कुरकुरे, चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह सब कुछ। तो क्या है कि हम लोग कुछ लेकर आए नहीं थे ना, यहाँ पहली बार आए हैं तो उतना कुछ आइडिया नहीं था। ये सब बेचने के लिए है क्या? हाँ, ये सब है। और इधर समूह वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, हैंडमेड आर्टिफिशियल। तो चलिए गाइस ये सब ले लिए हैं खाने के लिए। और बताइए आपका? मेरा चैनल है द प्यारे ब्लॉग, यूट्यूब में। हाँ यूट्यूब में देखिएगा द प्यारे ब्लॉग। तो चलिए यहाँ से ले लिए हैं खाने वाने का सामान, अब चलते हैं। ये देखिए जो पीछे है ना ई मार्ट, तो यही जस्ट बगल में है। ये देखिए ये बोटिंग पॉइंट का मेन एंट्री गेट, और इधर लेफ्ट साइड में देखिएगा तो ये जो ई मार्ट बना हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से आपको खाने का काफ़ी कुछ सामान मिल जाएगा। तो चलिए अब वहाँ पर थोड़ी देर बैठ करके खाते हैं हम लोग। हम लोग का तो वही हालत ख़राब हो चुका है घूम करके, और वैसे धूप भी बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है, तो इसका भी एक अलग दिक्कत। ले क्या खाएंगे? ले इलाज, लो पानी पियो, पानी प्यास से तड़प रही थी, लो खाओ। अरे पैसा, सबसे पहले पार्ले जी खाओ, इसमें आएगा तुमको ग्लूकोज मिलेगा। इन लोग का हालत बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो चलिए गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से घर। और भैया अगर आप लोग आना ना यार, तो शाम को आना यार, दिन में दोपहर में धूप में ना आने की गलती मत करना यहाँ पर, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगा। जो कुछ भी एनर्जी रहेगा आप लोगों के अंदर तो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं घर, और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और पुनः पधारे, पुनः यहाँ पधारे कि नहीं, लेकिन हमारे चैनल में पुनः ज़रूर पधारे हैं।